अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू किंजास किचन। आज हम आप लोग के साथ कैरी और लहसुन का लच्छा पराठा, इसकी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। चलिए लहसुन कैरी का लच्छा पराठा बनाते हैं। उसके लिए देखिए, हमारे घर में झाड़ पे आम कैरी लगी हुई है। कितनी कैरी लेना वो बताती हूँ आपको मैं, छोटी बड़ी। जो छोटी कैरी से थोड़ा ज़्यादा खट्टा नहीं बनता, अच्छा बनता है, बच्चे भी खाते हैं उसे। और लहसुन गार्लिक ब्रेड ये वो बच्चे वो बहुत खा रहे हैं, तो उसके साथ मैं ज़्यादा लहसुन डाल के बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये इतनी छोटी सी कैरी तोड़ी है। ये देखिए, हमने हमारे झाड़ से कैरी तोड़ा है। ये हमारे कंपाउंड में झाड़ है लगा हुआ, इसके देखिए इतनी छोटी सी कैरी तोड़ा है। ये छोटी कैरी लेने का भी एक वजह है, उसमें ना थोड़ा ज़्यादा खट्टापना नहीं रहता है, अच्छी बनती है, बच्चे भी खा लेते हैं, समझ में नहीं आता है उनके। और बच्चे गार्लिक ब्रेड ये बहुत शौक़ से खाते हैं, आजकल ये चल रहा है ना, तो इसलिए मैं ना लच्छा पराठा बना रही हूँ इसका। ये और कैरी और लहसुन डालकर देखिए आप, ये इस तरीके से कैरी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। और इसके लिए खाली देखिए, कैरी इतनी छोटे टुकड़ों में काटी है, ये बाद में मैं बताती हूँ डालते टाइम आपको। ये देखिए, इसका आटा लगाया है, ये ना गेहूँ का आटा लिया है मैंने, बच्चों के लिए बना रहे हूँ इसलिए गेहूँ का आटा लिया। बहुत अच्छा बना है, मैं दो तीनों का ट्राई करके फिर आपको डाल रही हूँ ये रेसिपी, बहुत टेस्टी बन रही है। मैं दो चार खुद बना चुकी हूँ घर में अभी इसके। बच्चे जैसा चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, नमक और पानी डालकर वैसा ही लगाइए बस। ये देखिए, ये इसमें एक हरी मिर्ची डाला है, बच्चों के लिए बना रहा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। थोड़ा लहसुन ज़्यादा डाला है और नमक हल्दी है और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, कोथमीर और कैरी है। कोथमीर थोड़ी ज़्यादा डालिए, अच्छा कलर अच्छा आता है, अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बारीक पीस लीजिए, इसके पानी वानी नहीं डालना कैरी में, वैसे ही पीसना थोड़ा रुक रुक के। एक वक्त में बाद में डालना है ये तीनों चीज़, ये सब चीज़ों को डालकर आप हल्का हल्का पीसिए उसको। ज़्यादा लिक्विड भी मत बनाइए और ज़्यादा मोटा भी मत रखिए। देखिए इस तरीके से बनाए, वो जब पराठे में लच्छे पराठे में आता है ना मुँह में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में आता है, तो एकदम लिक्विड बन जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर पराठा भी थोड़ा ज़्यादा नरम हो जाता है पानी डालने की वजह से। पानी बिल्कुल मत डालिए पीसते टाइम। ये देखिए, ये हमारा आटा भी रेस्ट कर रखा था अभी, वो भी अच्छी तरह से मुलायम हो गया है। अभी आप इसको बेलिए, आपको जितना मतलब मोटा चाहिए पतला चाहिए वो हिसाब से बनाइए। ये सब बड़ा कर लीजिए आप, फिर उसके ऊपर है ना ये लगाना है। ये देखिए, इसमें थोड़ा तेल लगाना है। अभी आप थोड़ा बड़ा करते हो तो बड़ा करिए, नहीं तो इतना भी ये साइज़ ठीक है, छोटा पेड़ा है हमारा, ये लगाइए। थोड़ा सा उसके ऊपर आटा डालिए, तेल लगाने के बाद तेल घी डालडा असली घी जो भी हम, अगर बच्चे पसंद करते हैं तो बटर भी डाल लगा सकते हैं आप, उससे तो और टेस्टी बनता है। ये देखिए, अभी अच्छी तरीके से मिलाइए और छोटे मोटे, थोड़ी ज़्यादा मोटे होंगे तो निकालिए कैरी, नहीं तो छोटी है तो रहने दीजिए उसमें। इसको अच्छी तरीके से फैला लीजिए, उसके ऊपर कोथमीर भी डालिए और ये ऐसा राउंड कर करके उंगली बीच में रख कर बनाइए। ये लच्छा पराठा अच्छा बनता है और बेलते टाइम खुलता नहीं है, मसाला बाहर नहीं निकलता है, उसमें डरना नहीं, बस खाली ऐसा साइड से उठाकर गोल कर लीजिए। ये देखिए, मैं दूसरा और एक बनाकर बताती हूँ आपको। कच्चे आम कैरी का सीज़न चालू है ना, इसलिए मैं ये सब रेसिपी डाल रही हूँ। जो चीज़ हम घर में बनाते हैं हमारे लिए, आपके आपको भी शेयर करती हूँ कि आपको पसंद आ जाए। आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताना ज़रूर, और कुछ दूसरी रेसिपी डालना है इसके कैरी से उससे जुड़ी हुई तो वो भी बताइए, मैं डालती हूँ। और देखिए, हम तो बना कर खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप चटनी से, हरी चटनी से, खट्टी चटनी से, कैसा वैसा भी तो खाली भी पराठा बहुत अच्छा लगता है, और बिना घी तेल के कोई चीज़ नहीं भी लगाए तो वैसा भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए मैंने वो भी बताया हूँ थोड़ा सा, वो भी अच्छा बनता है। देखिए उसको ना उलट पलट कर कर सेकिए, जितना अगर आपको थोड़ा कड़क लगता है तो वैसा बनाइए, या मुलायम लगता है तो वैसा बनाइए आपकी पसंद पे। बच्चों को टिफ़िन के लिए तो बहुत काम आएगा, बच्चे शौक से खाएंगे। आप बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए आप है ना, सेकते टाइम भी थोड़ा ध्यान दीजिए, फुल गैस पे मत बनाइए, धीमे आंच पे बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और उतने आटे में और एक कैरी में 5 पराठे बने हैं मेरे लच्छा पराठा। अब आप भी बनाइए और बनाइए, खाइए, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए।
आपको पसंद आ गया तो आप ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप कहाँ से है, क्या है, पता चलना चाहिए ना कौन है मेरे। आप मेरी फैमिली से हो गए तो अभी मेरे पता चलना ना मेरी फैमिली कहाँ कहाँ है, ये ज़रूर बताइए कमेंट्स कर कर आप कहाँ से देख रहे हो, क्या है। और फिर चलिए, बनाइए, खाइए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।